नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये तीन कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसको मैंने 37 में बना फंदे में बनाया और इसको बराबर बराबर फंदे में डिवाइड करके बनाया। बहुत सुंदर डोरमेट हमारा बन के तैयार होगा। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। ये मेरे तीन कलर हैं जिसका मैंने डोरमेट बनाया है और ये मैंने रेड के दो गुल्ले बना रखे हैं। और ये देखिए, मैंने इसमें फंदे हमने रेड के हैं और 10 फंदे ब्लू के, और ये हमने 13 फंदे पिंक से भी नहीं। अब हम यहाँ पे ये रेड कलर लगाएंगे। तो जब ये रेड कलर लगाएंगे तो इससे हम बिनेंगे। ये देखिए, एक इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10 फंदे हमने पिंक से भी लिए और 2 फंदे हमारे ये ब्लू के हैं, तो इनको हम 2 फंदे छोड़ देंगे। धागा यहीं से घुमा के आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, तो अभी हमारी ये सीधी सिलाई है। सीधी सिलाई में पूरा हमें जो जैसा कलर है वैसे ही बनाना है। अब ये पिंक रेड वाले फंदे रेड से बिनेंगे पूरे ऐसे उल्टा उल्टा, तो रेड के ये देखिए इस तरह से इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब ये देखिए, हमने सारे फंदे रेड के बिन लिए। अब हमारे यहाँ पे पिंक फंदे आ गए, तो इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से और इसको पिंक वाले को ऐसे खींच के आगे लाएंगे। और ये सारे फंदे ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, और ये पिंक वाले फंदे हमारे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 फंदे हमारे पिंक के हैं, तो इनको हमने पिंक से बिन लिया है। अब हम इस धागे को पीछे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे। और ये ब्लू वाले फंदे अब हम ब्लू से बनाएंगे, तो ये देखिए इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 फंदे हमारे ब्लू के हो गए। अब धागा पीछे करेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको रेड वाले को खींच के आगे लाएंगे और इसको आगे करके, और ये 2 फंदे हम रेड के रेड से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सीधी सिलाई हमें हर बार ऐसे ही बनानी है जो जैसा कलर है। अब हम सिलाई पलट के सीधी साइड आ जाएंगे। सीधी साइड में हम सीधी साइड हमने कंप्लीट कर ली। अब हम सिलाई पलट के उल्टी साइड में आ गए। अब ये हमारे 2 फंदे हमारे रेड के थे, हमने रेड से भी लिए। अब ये 2 फंदे, अब ये फंदे हमारे ब्लू के हैं, तो अभी हम 2 फंदे और ब्लू वाले रेड से बिनेंगे। ये देखिए, हमने तो हमारे ये 4 फंदे हो गए। उस बार 2 फंदे थे, अब 4 फंदे हो गए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको हम ब्लू वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये 2 फंदे हम पिंक से बिनेंगे। इस धागे को ऐसे करेंगे और ये 2 फंदे पिंक से बिनेंगे, 1, 2। ये देखिए, हमने 2 फंदे पिंक से बिन लिए और बाकी सारे फंदे अब हम पिंक वाले ये देखिए इस तरह से बिनेंगे पूरे। पिंक के हम सारे फंदे बिनेंगे, 2 फंदे रह जाएंगे, यहाँ तक बिन लेंगे, 2 फंदे छोड़ेंगे। इन सबको ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब ये देखिए, हमने पिंक के सारे फंदे भी लिए और ये 2 फंदे रह गए, तो इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे और ये 2 फंदे अब हम पिंक वाले रेड से बिन लेंगे। ये देखिए, 2 फंदे हमने पिंक वाले रेड से बिन लिए और सारे फंदे अब हम रेड वाले ये देखिए पूरे ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे जो जैसा कलर है। सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बिनेंगे और ये 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब 2 फंदे हम ये फिर से छोड़ देंगे। हर बार हम यहाँ पे 2-2 फंदे छोड़ेंगे, तो उस बार हमारा ये ब्लू था तो ब्लू का फंदा छूटा, अब रेड है तो रेड के 2 फंदे छूटे। और यहीं से सिलाई पलट के अब हम ये सीधी साइड आ जाएंगे। ये देखिए, सीधी साइड में
जैसे मैंने पिछली बार बताया था, जो जैसा कलर है वैसे बिनना है, और ये किनारे में इसी तरह से जैसे मैंने बताया था उसी तरह से किनारा बनाना है, नहीं तो ये यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा और डोरमेट अच्छे से नहीं आएगा। अब ये पूरी लाइन हमें ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने रेड वाले सारे फंदे इस तरह से बिन लिए। अब हमारा यहाँ पे जोड़ है, पिंक कलर है तो यहाँ पे दूसरा, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए एक बार मैं और फिर से बता रही हूँ, ऐसे पकड़ लिया और इसको ऐसे खींच के इसके नीचे से ऐसे आगे लाएंगे, और ये पिंक वाले फंदे अब हम पूरे पिंक के ऐसे ही बनाएंगे। तो और ये दोनों धागों को हम खींच देंगे कि इसको तो हम खींच के बनाएंगे और इसको भी धागा को बाद में ऐसे खींच देंगे, तो ये हमारा एकदम जोड़ सफाई से आएगा, इसमें कहीं भी झोल नहीं रहेगा ना ही खींचा खींचा रहेगा। इसी तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे पिंक। अब इसी तरह से हम यहाँ तक बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली, जो जैसा कलर है जोड़ हमने वैसे ही बनाया जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये हम पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे, और ये रेड के फंदे अभी हमारे चार हैं, एक दो तीन, पहला फंदा हम उतार लेते हैं और तीन फंदे मिले। अब दो फंदे हम फिर ब्लू वाले रेड से बिन लेंगे तो हमारे हो जाएंगे, अभी हमारे चार हुए थे, पांच और छह, छह फंदे हो गए ब्लू के। अब इस धागे को ऐसे खींचेंगे और ये देखिए एक दो, ये दो फंदे, अब हम ये दो फंदे फिर ब्लू वाले पिंक से बिनेंगे ये साइड से, ये देखिए एक दो, अब हम ये दो फंदे बिन लिए, और ये पिंक वाले सारे फंदे अब हम फिर से यहाँ तक बिनेंगे, दो फंदे छोड़ेंगे, उल्टे उल्टे बिन लेंगे हम इन सभी फंदों को, फंदे बिन लिए। अब हम ये दो फंदे पिंक के बचे हैं इनको हम इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको हम रेड से बिन लेंगे, ये देखिए अब ये सारे फंदे रेड वाले रेड से बनाएंगे। इस तरह से सभी फंदों को हम ये रेड वाले सारे फंदे बिन लेंगे। अभी हमने रेड के सारे फंदे बिन लिए और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और धागा यहीं से घुमा के आगे की साइड में आ जाएंगे, ये देखिए हम यहाँ पे दो दो फंदे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ से अब हम सीधी साइड में आ गए, ये देखिए अब सीधी साइड में हम पूरी लाइन जो जैसा कलर है वैसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली, अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, और ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे, और ये देखिए एक दो, अभी हमने एक फंदा उतार लिया तो तीन फंदे हो गए, तीन चार पाँच छः, छः फंदे ये हमारे रेड के हैं, और ये दो फंदे ब्लू के बचे हैं इनको हम ब्लू से बिनेंगे, ये देखिए एक दो, ये दो फंदे हमने ये ब्लू वाले रेड से बिन लिए हैं, दो फंदे बचे थे इनको हम रेड से बिनेंगे, और ये इस धागे को ऐसे करेंगे, अब हम पिंक वाले सारे फंदे ऐसे पिंक से बिन लेंगे इस तरह से उल्टा उल्टा, ये देखिए सारे फंदे अब हम पिंक वाले उल्टा उल्टा बिनेंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे पिंक वाले पिंक से बिन लिए, अब ये दो फंदे हमारे पिंक के बचे हैं तो इस धागे को ऐसे करेंगे और ये दो फंदे रेड से बनाएंगे, ये देखिए हर सिलाई में हम ये दो दो फंदे लेते हुए पिंक के बढ़ रहे हैं, और ये बाकी फंदे हम पूरा ऐसे रेड वाले रेड से बिनेंगे पूरे फंदे। अब ये देखिए रेड वाले हमने फंदे रेड से बिन लिए और दो फंदे हम छोड़ देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये दस फंदे हमारे रेड के थे, ये हर बार दस ही रहेंगे। इस धागे को ऐसे घुमाएं और दो फंदे हमारे फिर से छूट गए यहाँ पे, और यहीं से पलट के अब हम पूरी सीधी साइड में आ गए, सीधी साइड में पूरा जो जैसा कलर है वैसे ही बना के हम पूरा ये लाइन कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली, अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, उल्टी साइड में आने के बाद पहला फंदा उतार लिया, अब ये देखिए एक, अभी हमने एक फंदा बिना, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे बिन लिए। अब हम अभी तक हम ये दो दो फंदे रेड के बढ़ाए थे, अब हम एक फंदा
रेड का बीनेंगे। तो नौ एक एक फंदा, अब ये हमने पिंक वाला रेड से एक फंदा बीनेंगे, धागा इसको खींचेंगे और बाकी फंदे ये देखिए पिंक के एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे हो गए और ये दो फंदे हमारे पिंक के हैं, इनको हम रेड से बीनेंगे। तो इस धागे को ऐसे करेंगे और इससे इसे खींच के ये दो फंदे पिंक वाले रेड से बीन लेंगे, एक दो ये देखिए बीन लिए। और रेड के हमारे ये दस फंदे हैं, इनको हम दस ही बीनेंगे। तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच छः सात आठ नौ दस, ये देखिए हमने दस फंदे भी लिए और ये दो फंदे हमारे फिर से छूट गए और धागा यहीं से घुमा के लेंगे और ये दस फंदे हमें हर बार रखने हैं। तो अब ये दस ही रहेंगे और ये दो दो फंदे यहाँ पे छूटते हुए जाएंगे। अब ये देखिए पूरी लाइन ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना के कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए, पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए ये रेड वाले फंदे हम बीनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे एक फंदा हम फिर से ले लेंगे। तो ये हमारे हो गए दस फंदे। यहाँ पे अब हम एक एक फंदा लेते हुए इधर जाएंगे और बाकी फंदे हम पिंक वाले ऐसे ही बीनेंगे। ये देखिए सभी फंदे पिंक के हमारे अभी हो गए, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हमने, ये हमारे पिंक के पांच फंदे हो गए और ये दो फंदे हैं पिंक वाले, इनको अब हम रेड से बीन लेंगे। तो इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको हम दो फंदे रेड से बीन लेंगे और ये पूरी लाइन अब हम इसी तरह से, अब ये हमारे रेड के दस फंदे हम बीनेंगे पूरे और उसके बाद में दो फंदे हमारे यहाँ छूट जाएंगे। अब ये हमने दस फंदे रेड के भी लिए और ये दो फंदे हमारे यहाँ से छूट गए, धागा यहीं से घुमा के सलाई पलट के अब हम पूरा सीधी साइड में आएंगे। सीधी साइड में जो जैसा कलर है वैसे ही बना के हमें कंप्लीट करना है। अब ये देखिए हमने पूरी सीधी सलाई पूरी बना के कंप्लीट कर ली, पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे। अब ये देखिए दो, एक फंदा हमने उतारा एक फंदा बिना, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब ये देखिए हमने दस फंदे ये रेड के बीन लिए हैं। अब ये हमारे यहाँ पे बचे हैं एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे बचे हैं। तो इनको हम ये तीन फंदे, अब इन सभी फंदों को हम रेड से बना लेंगे, पांचों फंदे को। तो ये इस तरह से बनाएंगे, ये इस वाले रेड से हम तीन फंदे दो फंदे बीनेंगे, एक दो, दो फंदे बीनेंगे या पूरा ही लाइन आप बीन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं सारे फंदों को भी हमें रेड से बनना है। अब मैं एक बार बता रही हूँ कि मैंने ये पूरे, अभी हमारे ये पांच फंदे हैं, इन पांच फंदों को पूरा रेड से बीनेंगे। तो हमने एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे हमने बीन लिए। अब ये हमारे रेड वाले फंदे हैं। तो इन फंदों में हमें ये देखिए इस धागे को ऐसे करेंगे और ये पूरे फंदे, तो ये हमारे टोटल फंदे हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस, तेईस फंदे भी नहीं और दो फंदे हम छोड़ देंगे, धागा यहीं से पलटेंगे और सीधी सिलाई अब हम पूरी बना के कंप्लीट करेंगे। अब हम सारे फंदों को रेड से बीन लेंगे यहाँ लास्ट तक। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना के कंप्लीट कर ली। तो ये हमने अभी तेईस फंदे बीने थे, तो इनके हम ये देखिए धागा आगे करेंगे और ऐसे करेंगे। अब ये देखिए हम फंदे एक दो, दो फंदे हो गए, एक फंदा हमने उतारा, दो तीन चार
पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और ये हमारे 23 फंदे हैं। तो हमने ये 12 फंदे हमने बिन लिए हैं और इधर हमारे ये भी 13 फंदे हैं। तो ये एक 13 फंदे हमने बिन लिए, धागा यहीं से घुमाया और ये हमारे बचे हैं। ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 ये 10 फंदे जो हमारे हम हर बार रहते थे वही 10 फंदे ये यहाँ पे बच गए हैं और यहाँ पे हमने ये 13 फंदे बिन लिए और धागा यहीं से अब हम पलट लेंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना ली। अब हम फिर से उल्टी साइड आए, पहला फंदा उतारा, धागा आगे। अब ये देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हमने 11 फंदे बिन लिए और ये 2 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दिए और धागा यहीं से घुमा के आगे आ गए और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए, पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 2, 1 फंदा बिना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे बिने और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, धागा यहीं से घुमा के फिर सिलाई पलटेंगे। सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनाएंगे, हर सिलाई में अब हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। ये हमारे 3 फंदे बचेंगे, हर सिलाई में 2-2 करके हम पूरे फंदे छोड़ देंगे, लास्ट में हमारे 3 फंदे बचते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने 2-2 करके पूरे फंदे छोड़ दिए हैं, अब ये लास्ट में 3 फंदे, 1, 2, 3 अब यहीं से धागा ऐसे घुमा के आ जाएंगे सीधी साइड में। तो ये लास्ट के हमारे 3 फंदे, इनको हमें एक साथ बिनेंगे। ये देखिए अब हमने यहाँ पे 2-2 करके फंदे छोड़ते हुए यहाँ लास्ट तक सारे फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम उसी तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और ये देखिए 1, 2 ये 2 फंदे बिन लिए और इस फंदे पे ऐसे लूप लगा देंगे और सीधी साइड में आ जाएंगे, इसको इसी में पिरो देंगे और ये हमने ये 3 फंदे बिने थे उन्हीं 3 को बिनेंगे, 1, 2, 3 ये देखिए हमने 3 फंदे बिन लिए। अब सिलाई पलट के अब हम फिर से उल्टी साइड में आ जाएंगे, उल्टी साइड में आके पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागा आगे और ये देखिए 1, 2 और ये हमारे 3 फंदे हो गए और 2 फंदे अब हम फिर से यहाँ पे बिना बिने लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक फंदा है जिसमें हमने लूप लगाया और ये तो हमारे हो गए 3 फंदे थे, 4, 5 2 फंदे हमने फिर से बिना बिने लिए, तो 5 फंदे बिन लिए। इस फंदे पे हम फिर ऐसे लूप लगाएंगे और यहाँ आ जाएंगे सीधी सिलाई में, इसको इसी में पिरो देंगे और ये हम 5 फंदे बिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये देखिए हमने 5 फंदे बिन लिए। अब हम फिर से आ गए सीधी उल्टी साइड में, सीधी साइड में हमने बिन लिया। अब ये देखिए धागा ऐसे घुमा के लेंगे, इसको उड़े 1, 2, 3, 4 ये 5 फंदे हो गए और 2 फंदे हम फिर बिना बिने लेंगे, तो ये हमारे 6, 7 फंदे हो गए। इस फंदे को हम फिर उतार के इस पे लूप लगाएंगे, लूप लगाएंगे, हर एक फंदे पे हम लूप लगाते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह से हमने जो 13 फंदे छोड़े थे वो 2-2 लेते हुए हम पूरे 13 फंदे यहाँ तक बिन लेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए हमने 2-2 करके सारे फंदे जो हमने 13 फंदे छोड़े थे 2-2 करके 13 फंदे ले लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये हमने 2-2 करके 13 फंदे बिन लिए। अब हम इस फंदे पे ऐसे लूप लगाएंगे, लूप लगाना बहुत जरूरी है नहीं तो यहाँ पे हमारा झोल पड़ेगा। और ये देखिए इस फंदे पे हमने ये लूप लगा लिए, अब इसको इसी में पिरो देंगे और ये पूरे फंदे अब हम 13 फंदे ऐसे उल्टा उल्टा बिन लेंगे यहाँ लास्ट तक। अब ये देखिए हमने पूरी सीधी सिलाई बना ली। अब ये देखिए पूरे फंदे हमने बिन लिए, अब ये हमारे यहाँ तक फंदे हैं। तो ये इस तरह से देखिए हम पहले की जैसे हमने बनाया था बनाएंगे,
इस फंदे को उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, ये हमने बारह फंदे बिन लिए। अब ये देखिए अब हम यहाँ पे नहीं दस फंदे अब हम बिनेंगे, ये हमने रेड के दस फंदे बिनेंगे और ये देखिए दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, दस फंदे अब हम ये रेड के बिनेंगे। अब हम इस धागे को ऐसे करेंगे और हम पांच फंदे पिंक से बनाएंगे जो हमने शुरू में बनाए थे। ये देखिए एक दो तीन चार पांच, ये देखिए हमने पांच फंदे पिंक से बिन लिए हैं। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इस धागे को खींच के आगे लाएंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ फंदे गए और ये दो फंदे हम यहाँ से जो छूटे हुए फंदे उनमें से उठाएंगे तो नौ दस, ये देखिए हमने दस फंदे बिन लिए। इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगा देंगे और यहीं से सलाई पलट के अब हम सीधी साइड में आ जाएंगे। ये अभी जैसा लग रहा है ये बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी ये डोरमेट में झोल या खिंचाव आ जाएगा जो सही से बिछाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें ये बीच में बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे डोरमेट में झोल ना आए। और ये सीधी सलाई अब हम पूरी ऐसे बना करेंगे, इस फंदे पर हमने लूप लगा इसको इसी में उतार देंगे और इसको टाइट करके हम रेड वाले रेड से और पिंक वाले पिंक से बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हम सीधी सलाई में आ गए। अब ये पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे और ये देखिए एक दो तीन चार, ये हम रेड वाले सारे फंदे ऐसे बिनेंगे जितने हैं उतने। अब ये हमने रेड के नौ फंदे बिन लिए, एक फंदा ये हमारा यहाँ पे बचा तो इस धागे को हम ऐसे करेंगे और एक फंदा हम ये पिंक से बिन लेंगे और इस पिंक वाले सारे फंदे अब हम पिंक से बिनेंगे। ये देखिए तो पिंक के हो गए हमारे एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः फंदे हमने बिन लिए और ये दो फंदे हम यहाँ से बिन लेंगे तो सात आठ, दो फंदे बिनेंगे इस धागे को खींच के और बाकी हम ये दस फंदे रेड के बनाएंगे जो हमारे हर बार रहते हैं तो इनको हम दस बिनेंगे पूरे ऐसे नौ एक दस, ये हमने दस फंदे बिन लिए। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस बिन लिए और इस फंदे पे हम फिर से लूप लगाएंगे, धागा ऐसे करेंगे और यहीं से सलाई पलट के अब हम सीधी साइड आ जाएंगे। सीधी साइड आने पे जिस फंदे इस फंदे पे हमने लूप लगाए थे इसको इसी में पिरो देंगे और ये रेड के हमारे दस फंदे हैं इनको दस बिनेंगे और पिंक के जितने फंदे हैं पिंक से और बाकी ये रेड के जो जैसा कलर है वैसे बना के कंप्लीट करना है। अब ये हमने सीधी सिलाई पूरी बना के कंप्लीट कर ली, फिर हम उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में पहला फंदा उतारा धागा आगे और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये हमने सात फंदे लिए और एक फंदा हम फिर से इसी में इस धागे को ऐसे करेंगे इसी में बिन लेंगे। ये देखिए और ये हम पूरी लाइन ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब ये हमारे रेड के हमने एक फंदा उतारा और सात फंदे बिने तो आठ फंदे हमारे रेड के हो गए और पिंक के देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे हो गए और ये दो फंदे हैं इनको हम इस धागे से ऐसे करेंगे और ये दो फंदे हम ये देखिए पिंक, हाँ तो ये पिंक के हो गए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये दो आठ नौ और ये दो फंदे हम फिर यहाँ से ले लेंगे तो दस ग्यारह, ग्यारह हो गए और इस धागे को ऐसे खींच के हम टाइट करके आगे
बढ़ेंगे इसको टाइट करके, और ये रेड के फंदे हम 10 फंदे फिर बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने ये रेड वाले 9 और 10 फंदे बीन लिए, फिर ये 2 फंदे इस फंदे पे हम लूप लगाएंगे और यहीं से सलाई पलट के सीधी साइड में आएंगे। ये देखिए सीधी साइड में इस फंदे को, जिस फंदे पे हम लूप लगाते हैं उस फंदे को उतार लेंगे और बाकी टाइट करके, और ये रेड वाले हमारे हर बार 10 रहेंगे, चाहे इधर से जाते समय रहे और इधर से उतरते समय। ये कली हमारी पहले इधर को गई, अब नीचे की तरफ जा रही, तो ये हर बार 10 फंदे रहेंगे और जो जैसा कलर है वैसे बना के कंप्लीट कर। अब भाई हमने सीधी सिलाई फिर बना ली, अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। तो ये देखिए पहला फंदा उतारा धागा आगे, तो ये देखिए 2 एक फंदा मिल गया, 2 3 4 5 6 ये 6 फंदे हमने रेड के बिने। अब ये 2 फंदे हैं इनको हम ब्लू से बनाएंगे इस धागे को। अब ये ब्लू वाले से 2 फंदे हम ब्लू से बिन लेंगे, 1 2 ये देखिए 2 फंदे हमने रेड वाले ब्लू से बिन लिए। इस धागे को ऐसे करेंगे और पिंक से बिन लेंगे, पिंक वाले सारे फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 फंदे हम फिर यहाँ से ले लेंगे, 12 13 13 लिए। अब इस धागे को खींच करके अब हम रेड वाले 10 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 ये हमारे हर बार 10 रहते हैं, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने बिन लिए। अब ये 2 फंदे हमारे फिर ये बिना बुने, तो ये देखिए हमारी ये गैपिंग इस तरह से आती है, तो हमें यहाँ पे लूप लगाना पड़ता है, तो इसको इस तरह से ऐसे लूप लगा लेंगे और यहीं से सलाई पलट के अब हम फिर सीधी साइड आएंगे और इस फंदे को इसी में पिरो देंगे। और अब हम सीधी साइड पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब ये देखिए कली हमारी ये नीचे की तरफ जा रही है, तो ये हमारी लीफ्स बनती जा रही है, इधर ये हमारी डिजाइन कंप्लीट होती जा रही है। अब ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, अब रेड वाले सारे फंदे हम ये देखिए अब रेड के बिनेंगे, उस बार हमने 6 फंदे बिने थे, अब हम 4 बिनेंगे। ये देखिए पहला फंदा उतारा, 2 3 4 4 फंदे बिने। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और ये 2 फंदे रेड वाले ब्लू से बिन लेंगे, 1 2 और ये 2 ब्लू के बिन लिए इधर से, 3 तो ये 4 हो गए। अब 2 फंदे हम ये पिंक वाले से बिन लेंगे, तो 5 6 ये देखिए हमने 6 फंदे बिन लिए। अब इस धागे को खींच के रखेंगे और इससे अब हम पिंक वाले सारे फंदे पिंक से बिनेंगे पूरे फंदे। अब ये देखिए हमने पिंक वाले सारे फंदे पिंक से बिन लिए, अब ये 2 फंदे हम फिर रेड वाले पिंक से ले लेंगे। ये देखिए रेड वाले बिन लिए, अब इसको खींच के और ये रेड के हम 10 फंदे बनाएंगे पूरे। अब ये देखिए हमने रेड वाले 10 फंदे पूरे बिन लिए, अब हम इस फंदे पे फिर लूप लगाएंगे इस तरह से और यहीं से सलाई पलटेंगे सीधी साइड। ये देखिए अब ये लूप वाला फंदा हम उतार लेंगे, अब पूरी सीधी सिलाई अब हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे उल्टी उल्टी। अब ये देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई, अब हम फिर से पहला फंदा उतारेंगे धागा आगे और ये 1 फंदा बिन लिया। अब ये 2 फंदे बचे हैं, इस धागे को ऐसे करेंगे और इससे 2 फंदे अब हम 1 2 2 फंदे हमने रेड वाले ले लिए और ये ब्लू के हम सारे फंदे बिन लेंगे जितने भी होंगे। अब ये देखिए हमने ब्लू वाले सारे फंदे भी लिए, अब 2 फंदे पिंक वाले ब्लू से ले लेंगे। अभी हम दोनों तरफ से ब्लू वाले ले रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और पिंक वाले सारे फंदे अब हम पिंक से बिनेंगे, सभी फंदों को ऐसे हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे पिंक वाले पिंक से। अब ये देखिए हमने पिंक वाले सारे फंदे पिंक से बिन लिए, अब ये 2 फंदे अब हम फिर से रेड वाले पिंक से बिन लेंगे, 1 2 ये 2 फंदे। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और ये 10 फंदे बिनेंगे हम रेड से, 1 2 3 4 5 6 7 8
नौ, दस। ये दस फंदे हमने रेड वाले बिन लिए। अब ये दो फंदे ब्लू के बचे हैं, तो इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सलाई पलट के सीधी साइड आएंगे। तो ये देखिए हमारी कली कंप्लीट हो रही है। अब इस फंदे पे हमने लूप लगाया है, तो इसको हम बिनेंगे नहीं, इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको बिनेंगे नहीं, इसमें सिर्फ पिरो देंगे और इसको टाइट करके ये फंदे हम बिन लेंगे। तो सीधी सलाई हम पूरी ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे, जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हमने सीधी सलाई पूरी कंप्लीट कर ली, जो जैसा कलर से है। अब हम पहला फंदा, अब ये देखिए इस तरह से धागे को घुमा के लेंगे और ये अब हम ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लू से बनाएंगे। तो ये रेड वाले दो फंदे हैं, इनको भी हम ब्लू से बिनेंगे। इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको हम ये रेड के दो फंदे ब्लू से बिन लिए और ये ब्लू के भी सारे फंदे अब हम ब्लू से बनाएंगे। तो ब्लू तब ये लास्ट में ब्लू के फंदे हो जाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह। बारह फंदे अभी ये ब्लू के हो गए हैं लास्ट में। और ये पूरी लाइन हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे ही ब्लू से ही बनाएंगे। सारे फंदों को अब पूरा ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे ब्लू कलर से। अब ये हमारी एक कली कंप्लीट भी हो रही है। अब ये देखिए हमने सीधी सलाई, ये उल्टी सलाई पूरी यहाँ लास्ट तक पूरे फंदे हमने ब्लू से बना लिए। अब ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई। तो अब ये देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरह से और इसको खींच के अगला फंदा हम बिन लेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारा ये बीच का भी सर्कल छोटा बनेगा और डोरमेट में कहीं भी छोड़ नहीं आएगी। और ये इस तरह से हमें यहाँ पे बनाना पड़ता है। ये जब आप हाफ बनाएंगे हाफ कली तो आपको लगेगा ये अजीब सा है, मगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये देखिए एक कली पूरी कंप्लीट होने पे ये जगह भर गई है। इसी तरह से बनाएंगे, नहीं तो हमारे ये डोरमेट में झोल आएगा। इस तरह से बनाने में कोई झोल नहीं आता है। अब ये हम पूरी लाइन ब्लू वाली लास्ट तक ऐसे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमारी एक कली कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करेंगे सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे शुरू में फंदे डाले थे। तो अब हम ये देखिए दूसरी कली किस तरह स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा ऐसे घुमा के लेंगे, फिर इसको इसी में पहना के और ये देखिए दो फंदे अब हम एक दो, ये दो फंदे अब हम रेड से बिन लेंगे। अब बाकी फंदे ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस। दस फंदे अब हम ये ब्लू से बिनेंगे और दो फंदे हमारे रेड के रहेंगे। तो ये हम अभी हमको बराबर डिवाइड करना, तो ये हमारे बारह फंदे हो गए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और ये अब हम पिंक से बिनेंगे तेरह फंदे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और एक ये तेरह। तेरह फंदे हमने ये पिंक से बिन लिए हैं। अब हम बिनेंगे इस धागे को ऐसे करेंगे और दस फंदे ये रेड से बिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। दस फंदे हमने ये रेड से बिन लिए। अब ये दो फंदे बचेंगे, इनको हम छोड़ देंगे, धागा यहीं से घुमा के ये सीधी साइड में आ गए। ये देखिए अब हमने जैसे कली यहाँ पे स्टार्ट की थी सेम इसी तरह से अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो ये हमारा बहुत सुंदर डोरमेट फ्लावर डिजाइन में बन के तैयार होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह से बनाएंगे तो आपके ना ही डोरमेट में कोई झोल आएगा ना कोई कमी नजर आएगी। देखिए मैंने इस तरह से ये भी थोड़ा सा बनाया हुआ है। ये देखिए मैंने इतना ये डोरमेट हाफ बना लिया है। इसी तरह से रिपीट करेंगे तो ये बहुत सुंदर डोरमेट हमारा 37 फंदे का बनके तैयार होगा। नमस्कार।